रजनीकांत और पीएम मोदी की राह पर अक्षय कुमार करने जा रहे हैं ये खास काम। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी डिस्कवरी चैनल के मशहूर शो मैन वर्सेज वाइल्ड में नजर आएंगे। अक्षय कुमार शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करने कर्नाटक के मैसूर में शूटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। अक्षय से पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने बेयर ग्रिल्स के साथ कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में शूटिंग की थी। बता दें कि रजनीकांत की शूटिंग की खबर के कुछ देर बाद ही ऐसी खबरें सामने आने लगी कि रजनीकांत शूटिंग में घायल हो गए हैं। बता दें कि न्यूज एजेंसी एनआई के ट्वीट के मुताबिक रजनीकांत घायल नहीं हुए बल्कि शूटिंग में उन्हें कुछ मामूली खरोंचे आई थी। रजनीकांत को चोट लगने को लेकर एक वन अधिकारी ने बताया, रजनीकांत अपना संतुलन खो बैठे और जिससे उनका टखना मुड़ गया। इसकी वजह से उनके हाथ पर और कोहनी के नीचे भी खरोंचे आई हैं। वन अधिकारी ने आगे बताया कि खरोंचे ज्यादा नहीं हैं और वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। रजनीकांत की इस शूटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में वे नीले रंग की जैकेट पहने नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो 28 और 30 जनवरी को स्पेशल गेस्ट के साथ 6 से 6 घंटे शूट की अनुमति दी गई है। रजनीकांत के बाद अक्षय कुमार के आने की उम्मीद थी, जो इसी शो के लिए शूट करेंगे। शूटिंग की इजाजत सुल्तान बटेरी हाईवे और मेलाहली, मुदर और कलकेरे रेंज के लिए दी गई है। वे नॉन टूरिज्म जोन में शूटिंग करेंगे, जो खास वन सुरक्षा के तहत होगी। बता दें कि इससे पहले बेयर ग्रिल्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिल चुका है। पीएम मोदी के एपिसोड को डिस्कवरी नेटवर्क के चैनलों पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में दिखाया गया था। उस एपिसोड के साथ पीएम मोदी ने पशु संरक्षण और पर्यावरण परिवर्तन से जुड़ी बात पूरी दुनिया के सामने रखी थी। पीएम मोदी और ग्रिल्स का एपिसोड उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट के जंगलों में शूट किया गया था।